दोस्तों आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मैच हुआ था उस मैच के फर्स्ट इनिंग्स के अंत में हुआ झगड़ा। जी हाँ दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी वर्सेज राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी। दोस्तों रियान पराग के साथ फाइट में जुड़े एंग्री हर्षल पटेल। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स पहले बैट करते हुए 144 रन बनाए थे और इनमें रियान पराग ही नाबाद 56 बनाए, और जब फर्स्ट इनिंग्स खत्म होने के बाद पेवलियन लौट रहे थे तब हर्षल पटेल और रियान पराग का हो गया झगड़ा। वहाँ पर फाइट देखे, एंग्री दिखे रियान पराग, एंग्री दिखे हर्षल पटेल। असल में हर्षल पटेल की सेकेंड लास्ट बॉल पे रियान पराग बाउंड्री लाइन पे बॉल मारे थे और वहाँ पर कोई रन नहीं लिया था और आखिरी बॉल में एक छक्का लगा दिया था, तो इसी से हर्षल पटेल गुस्सा होकर उनको कहते कि वो एक रन क्यों नहीं लिया। तो रियान पराग भी गुस्सा हो गए कि मेरे मर्जी, मैं ना लूँ या फिर रन ले भी लूँ तो तुम्हारा क्या। बस इन सब बातों में दोनों में हो गया झड़प और राजस्थान रॉयल्स से खिलाड़ी आकर इन दोनों को शांत कराने लगे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी भी इन दोनों को शांत कराने लगे, लेकिन दोस्तों जो हुआ स्पिरिट ऑफ द गेम के लिए अच्छा नहीं हुआ। मुझे लगता है दोनों को ही जोश में होश होना नहीं चाहिए था। मैच हो गया, मैदान के बाहर जाकर जो बोलना है बोलो, बाद में जो कहना कहो, लेकिन मैदान में ये सब एकदम ठीक नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये ठीक था या गलत, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। दोस्तों मुझे इंतजार करता हूं आपके कमेंट का।